हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी कट ऑफ रेलवे एग्जाम के लिए है। एलपी मींस असिस्टेंट लोको पायलट है, जो अभी एग्जाम 9 अगस्त से होने वाला है। लेकिन यहाँ बात करने वाले हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ ए पॉइंट दैट इज डिजिग्नेटेड लिमिट ऑफ समथिंग, यानी लिमिट का मतलब है स्कोर इन मार्क्स। और ए स्कोर इन मार्क्स है लास्ट कैंडिडेट सिक्योर, जो लास्ट कैंडिडेट स्कोर लाया है उसे कट ऑफ कहते हैं, उसके ऊपर वाले सारे क्वालिफाई होते हैं। तो इस वीडियो को हम तीन भाग में बांटेंगे। पहला भाग हमारा रहेगा जब आरआरबी का एग्जाम इंडिविजुअल होता था, हर बोर्ड अपना अपना एग्जाम लिया करता था। दूसरा है आरआरबी सेंट्रलाइज वैकेंसी आने लगी थी, उस समय की कट ऑफ की बात करेंगे। और तीसरा है आरआरबी का जो परीक्षा आने वाला है, जिसमें एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, आपका मैथमेटिक रीजनिंग और साइंस और करंट अफेयर टॉपिक मेन टॉपिक हो गया है। तो चलिए ये वीडियो को आपको दिखाते हैं। भारतीय रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को आप सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, अब यहाँ कट ऑफ के बारे में हमें बात करना था आरआरबी पीएलपी कट ऑफ। यहाँ हमने पहले ही आपको वीडियो में बता रखा है कि तीन पार्ट था। पहला पार्ट था इंडिविजुअल आरआरबी एग्जाम लेता था, सभी एग्जाम इंडिविजुअल आरआरबी का एग्जाम हुआ करता था। दूसरा कंडीशन था सेंट्रलाइज वैकेंसी आने लगी थी, सेंट्रलाइज वैकेंसी यानी सभी का एक बार में ही एग्जाम हुआ करता था। और अभी नया पैटर्न जो आया है ये भी सेंट्रलाइज है, लेकिन इसमें आपका न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न है, न्यू सिलेबस एंड न्यू पैटर्न। यहाँ हम बात करने वाले तीनों का। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इंडिविजुअल होता था। यहाँ सबसे पहले आप मान लीजिएगा आईटीआई प्लस डिप्लोमा, जितने सारे कैंडिडेट थे, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, डीजल मैकेनिक हो, वायरमैन हो, सभी होते थे। सभी के लिए एक सिंगल क्वेश्चन बनाया जाता था और इसमें से एक सभी से एक वेटेज होता था। इलेक्ट्रिकल से अगर 5 क्वेश्चन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स से 5 क्वेश्चन हुआ, मैकेनिकल से 2 क्वेश्चन हुए, 8 क्वेश्चन हुए, डीजल मैकेनिक से 6 हुए, 2 हुआ, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के एक क्वेश्चन बनाया जाता था। और जिसमें टेक्निकल से टोटल मार्क्स लगभग 75 के आसपास हुआ करता था। एग्जैक्ट मैं नहीं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कई लोग एग्जैक्ट मान लेते हैं। लगभग 75 मार्क्स यहाँ से होता था और नॉन टेक्निकल में वेरिएशन होता था, जिसका मार्क्स 45 से लेकर 65 तक और कई बार ये 35 या 25 हुआ करता था। यानी अगर इसे टोटल मार्क्स की टर्म में बात करेंगे तो पहले आपका एग्जाम 100 नंबर का भी कई बोर्ड लेते थे, 120 का भी हुआ करता था और 140 का भी हुआ करता था। यानी सभी बोर्डों का अलग अलग पैटर्न था और सबका अलग अलग एग्जाम हुआ करता था। तो यहाँ क्या होती थी, एक कैंडिडेट चेन्नई भी भरता था, मुंबई भी भरता था, चंडीगढ़ भी भरता था और मान लीजिए इलाहाबाद भी भरता था। और वेयर अब बाद में हाजीपुर की बात करेंगे या पटना मुजफ्फरपुर की बात कर लेते हैं, मुजफ्फरपुर भी भरता था। तो इससे क्या होती थी, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ जाते थे, लेकिन यहाँ मेन बैलेंस करता था टेक्निकल क्वेश्चन। आपने इलेक्ट्रिकल का पढ़ा है तो इलेक्ट्रिकल का प्रश्न कर लेंगे, डीजल मैकेनिक पढ़ा था तो डीजल मैकेनिक का कर लेंगे और जो बाकी सब्जेक्ट का है वो कर लेते थे, लेकिन सभी प्रश्न कोई नहीं कर पाता था, जिसके कारण से यहाँ कट ऑफ करीब करीब 40% एवरेज बना रहता था सभी बोर्डों में। मैं एवरेज बता रहा हूँ, यहाँ पे 40% बना रहता था, यानी आपने 40% यहाँ सिक्योर कर लिया तो अब आप साइको टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाया करते थे। यानी आपका 100 नंबर का प्रश्न है तो आपको 40 लाने थे, 120 का है तो आपको कितने हो जाएंगे, 48 नंबर लाने थे, और 140 का नंबर है तो 140 में अपना 48 और 54 56,
यानी 56 नंबर लाते तो आप क्वालिफाई करते, साइको टेस्ट देने जाते। लेकिन अब सेंट्रलाइज वैकेंसी आ गई, इसमें सब्जेक्ट आपका कोई चेंज नहीं हुआ था, चार सेट क्वेश्चन बनाने जाए लगे, आर रेड येलो ब्लू एंड ग्रीन, ये चार सेट की पेपर हुआ करती थी, प्रश्न सेम सिमिलर जैसा ही होता था आपका, 100, 120 और 140। लेकिन यहाँ सेंट्रलाइज वैकेंसी आने से ये 120, 100 खत्म हो गए, एवरेज 140 में प्रश्न संख्या आ गई थी। अब यहाँ पे कटअप की बात करेंगे तो कटअप का हम एग्जाम्पल आपको 2014 का एक देना चाहूंगा एलपी का, जिसमें दो टाइप के कटअप था। पहला आपका मेन एग्जाम का कटअप था, तो मेन एग्जाम के कटअप में बात करेंगे तो ये 59% था जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 53 था, उसके बाद एससी कैंडिडेट के लिए आपका 47 था और एसटी का भी 53 था, ये परसेंटेज के टर्म में थे। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 140 क्वेश्चन से, तो ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे वो नंबर आपका एक्यूरेट नंबर आ जाएगा, यानी देख सकते हैं जो 40% पे कट ऑफ जाती थी वो करीब करीब 59 पे बढ़ गई, यानी कट ऑफ में राइज हो गया। जनरल में जो 40%, 42% हुआ करता था वो 59 में बढ़ गया। अब ये बढ़ने का कारण क्या हो गया, सेलेक्टिव कैंडिडेट, सेलेक्टिव कैंडिडेट यानी आपने इलाहाबाद भरा है, आपको इलाहाबाद में कितनी कंपटीशन होगी आपको पता नहीं है, और ये 59 था मैक्सिमम वाले। अगर आपने इस समय जेएनके भरे होते तो हो सकता था कि जेएनके में कटअप 40 ही रहा हो, लेकिन जिसमें अच्छे अच्छे जितने जॉब थे उसका कटअप बढ़ गया और जितने साइड वाले जॉब थे उनकी कटअप डाउन हो गई। ये सेंट्रलाइज वैकेंसी का असर हुआ, जिससे लोगों ने, सब लोग ने ये च्वाइस करने लगे कि हम इस बोर्ड से ही भरेंगे। जैन के फिर और कई सारे था, दो बोर्डों को मालदा, सभी लोग प्रिपेयर करने लगे इस बोर्ड में हम जाएंगे, हमारा एग्जाम आराम से हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा यहाँ कटअप बढ़ेंगे साइको के लिए। अब साइको का ये हो गया, साइको के बाद वाले फाइनल जो कटअप आई थी यहाँ, ये 59 बढ़ के 69 या 70% पे आ गया था, 70% ऑफ टोटल मार्क्स। उसके बाद 57% आ गया था आपका ओबीसी का, इसमें 51 एंड 53 आपका एसटी का है, एससी का है और ये ओबीसी का है। तो कई लोग कहेंगे कि एसटी का यहाँ भी 57 था, यहाँ 53 था, यहाँ भी 53 है, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा ये परसेंटेज में है, नंबर बढ़ जाएंगे आपको कैलकुलेट कीजिएगा। तो अब आते हैं हम अपने एक्चुअल कंडीशन पे, तो एक्चुअल कंडीशन में आने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे अभी हमारा सेंट्रलाइज वैकेंसी थी, अब सेंट्रलाइज वैकेंसी में हमारा सबसे पहले तो सिलेबस चेंज हो गया। यहाँ पे आपका मैथ, रीजनिंग, उसके बाद आपका साइंस और एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका करंट अफेयर, ये आपके मेन सब्जेक्ट हो गए। और ये साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कोर सब्जेक्ट है, 10वीं क्लास में भी लोग पढ़ा करते हैं और वही प्रश्न आपको पूछने वाले हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं जो कट ऑफ 59% गया था तो यहाँ कितनी जाएगी, मार्क्स हम मान लेते हैं 59% कट ऑफ जाता है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, लेकिन ये जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ मैं एक चीज और बताने वाला हूँ, क्योंकि कटअप तीन चार चीजों पे डिपेंड करती है। पहला आपका है वैकेंसी, तो यहाँ वैकेंसी की संख्या काफी है, जो 26,500 कुछ है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, 26,000 प्लस वैकेंसी है, ये बढ़ गया आपका। उसके बाद कैंडिडेट, कितने लोग अप्लाई किए हैं वैकेंसी में, ये भी बढ़ गया है, 47 लाख। उसके बाद तीसरी कंडीशन है पेपर
पेपर का स्टेज या पेपर का क्वेश्चन लेवल, यहाँ स्टेज आप देख सकते हैं, पहला स्टेज वन वो होगा, उसके बाद स्टेज टू होगा जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी होंगे, यानी एक कट ऑफ को एक पूल करके करीब करीब एक 50 से 52% के आसपास लाएगा, मैं एवरेज बता रहा हूँ 52% लाएगा, मतलब 52% से मान लेते हैं, इसको आपने मान लिया 55% तो कोई बुरा नहीं होगा, ये तीनों चीजें के कट ऑफ आपको बना हुआ रहेगा और एक स्टेज एग्जाम हो जाएगा, क्वालिफाइड नेचर हो जाएगा, केवल क्वालिफाई करना है, जो 55% लाएगा वो फर्स्ट स्टेज में तो कम से कम आ जाएगा, सेकंड स्टेज में हो सकता है कि ये 45% आ जाए, क्योंकि ये 15 गुना ही कैंडिडेट जाएंगे सेकंड स्टेज में, जितनी वैकेंसी है उसके। तो यहाँ कट ऑफ की बात अगर करेंगे हम, अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ध्यान दीजिएगा एक्सपेक्टेड है, कोई एक्चुअल नहीं है, और हम ये मान लेते हैं न्यू वैकेंसी में 55%, तो पहले हमारे पास यूआर है, ओबीसी है, उसके बाद हम बात करेंगे एससी की, और फाइनल बात करेंगे एसटी की। तो एसटी की अगर आप बात यहाँ करेंगे तो सबसे पहले हम जनरल की बात करते हैं, तो यहाँ आपको 40 से 41 नंबर आपको फर्स्ट स्टेज क्लियर करा सकता है, बिल्कुल एक्यूरेट है, और बहुत ज्यादा नंबर ये नहीं है, आपको 75 में से 40 से 41 नंबर लाने हैं, जो रेगुलर पढ़ते हैं बंदे वो ला लेंगे। दूसरी ओबीसी की बात करेंगे तो यहाँ 38 से 40 नंबर कट ऑफ के रूप में देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट का देखेंगे तो यहाँ पे 33 से 35 नंबर, और एससी एसटी का भी मान लेते हैं 32 से 35 के बीच में, यानी ये दो लगभग बराबर होते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड अनुमान है, 75 में से आपको इतना नंबर तो लाना पड़ेगा। कई लोगों ने बोलते हैं कि क्या करना है, तो आपको ये नंबर 40, 41, 38, 40, 33, 35, 32 और 35 लाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पहला कट ऑफ 40 था, ये आपको कब मिलेगा, ये आपको मिलेगा कहाँ, देख सकते हैं आपने यहाँ 40 ला लिया है, और 40 कितने हैं, फर्स्ट स्टेज की बात करूंगा तो ये 55% है, 40 नंबर किसके प्लस होगा, मैं प्लस की नहीं बात कर रहा हूं, एक वेट, तो फर्स्ट स्टेज में आपको 55% लाने हैं, सेकंड स्टेज के जब एग्जाम होगा वहां पे आपको 45% लाना है, यानी ये नंबर आपको करेंगे कैलकुलेट करेंगे, 75 का आप 45 से कैलकुलेट कर लेना, मैं लिख देता हूं, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो एक नंबर जो आएगा, मैं यहाँ पे 5, 5, 10, 7, 35, 25, 35, 37, 5, 5, 5, 20, 25, 28, 30, यानी 5, 7, यानी 34 नंबर आपको लाने होंगे सेकंड स्टेज के दोनों पेपर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। तो ये 34 से मैं एक प्लस रखता हूँ 35 नंबर, क्योंकि हर समय ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर जाता है। उसके बाद जब साइको के लिए कट ऑफ हो गया, साइको का कट ऑफ हो गया, साइको के लिए आपको 35 नंबर लाने हैं, अगर 75 का रहा तो कई कंडीशन में 90 मार्क्स का भी बात हो रहा है, एग्जाम 90 मार्क्स का भी हो सकता है, लेकिन आपको ये फोकस करना है 45% पे, और 45% और जो पहले का 40% दोनों एग्जाम लगभग बराबर आ रहे हैं, यानी आरआरबी का इंडिविजुअल एग्जाम और अभी का न्यू पैटर्न दोनों लगभग बराबर हो रहा है, और साइको टेस्ट के बाद तो आपको इतने कम कैंडिडेट बच जाएंगे कि यहाँ पे भी क्वालिफाई नेचर एग्जाम हो जाएगा। आप साइको क्वालिफाई कर दिए, आप एएलपी का एक पोस्ट आपका है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप साइको केवल क्वालिफाई नेचर करना होगा, क्योंकि ये स्टेज बढ़ गया, 3 स्टेज होने से ये एग्जाम, एक स्टेज फर्स्ट टू और उसके बाद साइको, उसमें आपको पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो उम्मीद है कि आगे की प्रिपरेशन आप इस कटअप को ध्यान के रखेंगे, और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो वीडियो के नीचे कमेंट का सेक्शन होता है, ऐसे तो आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी उस कमेंट बॉक्स को यूज कीजिए, और जो भी गलती हो रहा है करेक्ट जरूर कीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेगेटिव
कमेंट नहीं कीजिए, उसके लिए मैं थोड़ी सी आपको क्या बोला जाए, आपको पॉजिटिव कमेंट करना है, गलत है स्टैंडर्ड वे में आप लिखिए यहाँ पे गलत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती से ही आदमी सीखती है, लेकिन आप कभी कई लोग एब्यूज टाइप पे लैंग्वेज यूज करते हैं, उसको आपको नहीं करना है उससे, क्योंकि हमें तो कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, साथ में सारे लोग इस कॉमेंट को पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिए आपको नॉर्मल कॉमेंट करना है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, लाइक डिसलाइक से अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आपको गलत लैंग्वेज पे नहीं जाना है। थैंक यू, धन्यवाद।